हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, आज बात करेंगे इंडिया इन्फो शेयर के बारे में और ये पैनी स्टॉक बिलो 1 रुपी ट्रेड कर रहा है अभी। और उसको बताना चाहूँगा, कंपनी के 18 तारीख को रिजल्ट आउट करे और साथ में इन्होंने एक्सपेंशन का प्लान दिखाया है, मतलब 250 करोड़ का फंड ये रेज कर सकती है। उसमें ये इन्होंने लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट करी अपने शेयर होल्डर को। दोस्तों, देख लेते हैं कि स्टॉक मुझे पर्सनली क्यों पसंद आ रहा है और क्या आपको स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। और जैसे आपको याद होना चाहिए, ये स्टॉक आपको हमने बहुत पहले 17-18 पैसे के आसपास दिया था। अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने खुद स्टॉक को बाय किया था, हमको एक अच्छी रिटर्न ये दे रहा है। तो दोस्तों, इंडिया इन्फो शेयर में आपको क्या करना चाहिए और एक बार देखेंगे इंडिया इन्फोटेक के रिजल्ट। तो वीडियो को आप अंत तक देख के जा सकते हो और कुछ भी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, मैंने गूगल में चार्ट खोला हुआ है, इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। कंपनी का नाम बेसिकली ये है, ये BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो दोस्तों, अगर 5 दिन का मैं चार्ट की बात करता हूँ तो दोस्तों लगातार 61 पैसे से नीचे आ रहा है, ठीक है, एक लोअर सर्किट में है। और अगर मैं मंथली चार्ट की बात करता हूँ तो मंथली चार्ट में इसका डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। बाकी अगर मैं 6 मंथ की चार्ट की बात करता हूँ तो दोस्तों 6 मंथ का चार्ट आप देख सकते हो, 20-30 पैसे के आसपास इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक ने 60 पैसे के आसपास का हाई लगाया है। वो 60 पैसे दोस्तों, क्या आपको हमारा प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? अभी आपको शेयर करता हूँ मेरे चार्ट एनालिसिस के माध्यम से। तो आप वीडियो को देख सकते हो, अभी शेयर करूँगा जीरोधा का चार्ट जिसमें आपको क्लीन दिखाऊंगा कि जो 61 पैसे वो एक रेजिस्टेंस एरिया था। अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट। तो दोस्तों, आपको मैं वो चार्ट दिखाने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों इंडिया इन्फो, हमने आपको 17-18 पैसे के आसपास में यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से शेयर किया था कि स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये आपको मल्टीवैगर रिटर्न देके जा सकता है। तो दोस्तों, देख सकते हो ये स्टॉक हमें अभी भी 190% की रिटर्न दे रहा है और ऑलमोस्ट 250% का इसने हाई लगाया था, मतलब 250% की रिटर्न बुक्स में दिखा रहा था। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक एक अच्छी रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है। तो अगर आपने भी इसको बाय किया है 18-20 पैसे में तो नीचे कमेंट करके बताओ, हाँ इंडिया इन्फो शेयर हमने भी बाय किया है, होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब लेके चलता हूँ जिस चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ और साथ में इसके रिजल्ट, इंडिया इन्फोटेक के रिजल्ट पक्का देखे जाना क्योंकि काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, और साथ में जो इसकी न्यूज़ चल रही है इंडिया इन्फोटेक की लेटेस्ट न्यूज़, वो भी एक बार देख के पक्का जाना। तो मैं लेके चलता हूँ पहले आपको चार्ट की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। चार्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो ये 61 पैसे स्टॉक नीचे गिरा है, ये मैंने एक रजिस्टेंस निकाला है पास्ट में। चार्ट में अगर आप थोड़ा बैक जाते हो 2017 और 2015 के आसपास, तो ये 62 पैसे एक रजिस्टेंस एरिया था। तो मतलब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस की वजह से गिरा है, ना कि यहाँ पर किसी बड़े सेलर ने सेल किया है। क्यों, कैसे पता चला मुझे? बहुत सिंपल है, अगर नीचे आप वॉल्यूम देखते हो तो दोस्तों देख सकते हो वॉल्यूम कितना लो है, गिरने का जो वॉल्यूम है बहुत लो है। इसका मतलब ऊपर 62 पैसे के आसपास किसी बड़े प्लेयर ने सेल नहीं किया है, मतलब ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं है। इसका संकेत है कि 61 पैसे के आसपास एक रेजिस्टेंस था, वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और वही हुआ, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो इंडिया इन्फो शेयर को बाय करने की फ्यूचर में, तो बोल देना चाहता हूँ, अगर ये स्टॉक आपको 40 पैसे के आसपास मुझे लगता है सपोर्ट लेना चाहिए। अगर नहीं लेता है तो आप स्टॉक 40 पैसे के आसपास सपोर्ट लेता है तो बढ़िया, अगर नहीं ले पाता है तो आप थोड़ी क्वांटिटी 40 पैसे के आसपास बाय करके चल सकते हो। बाकी जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 35 पैसे। अगर ये 40 पैसे में सपोर्ट नहीं लेता तो डेफिनेटली ये 35 पैसे में लेगा, क्योंकि ये 2 या 3 सालों का पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो डेफिनेटली 40 पैसे और 35 पैसे में स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि स्टॉक को मैं एवरेज करूँ तो 35 पैसे अच्छा प्राइस हो सकता है, मैं खुद शायद 35 पैसे के आसपास स्टॉक को बाय करूँगा दोबारा से, ठीक है। तो अब आपको लेके चलता हूँ आगे, तो उसकी लेटेस्ट खबर और लेटेस्ट न्यूज़ दिखा देता हूँ, वो देख लो एक बार आप। तो दोस्तों, देख सकते हो, आपको देख सकता है 18 फरवरी को आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग आया है। तो बोर्ड मीटिंग में क्या है एक बार हम देख लेते हैं इंडियन फो में। और देख सकते हैं दोस्तों, हाल फिलहाल के 13 फरवरी के आसपास कंपनी ने अपने रिजल्ट आउट करे हैं दिसंबर क्वार्टर के। तो ये भी एक बार हम देख लेते हैं कि रिजल्ट में क्या रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की, उसके बाद बात करेंगे कंपनी के बोर्ड मीटिंग में क्या रहा। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड की PDF में क्लिक करने के बाद हमको ये नज़र आता है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं 31 दिसंबर।
किधर समर क्वार्टर के रिजल्ट, तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं सीधा आपको नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कंपनी को ऑलमोस्ट 33 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जी हाँ, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 33 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और वही पहले 28 लाख के आसपास था। मतलब सितंबर क्वार्टर में कंपनी को मात्र 28 लाख का प्रॉफिट था, और जो बढ़ के अब 33 लाख रुपए हो चुका है। 33 लाख मतलब 33 लाख। तो दोस्तों डेफिनेटली स्टॉक का बढ़ावा रख सकते हो। देख सकते हो कंपनी लगातार एक अच्छा प्रॉफिट बुक्स में शो कर रही है, और आप डेफिनेटली स्टॉक को रडार में रख सकते हो, ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की 18 तारीख की मीटिंग में क्या हुआ, उसमें क्या क्या बातें की गई, एक बार हम देख लेते हैं इंडिया इन्फो की लेटेस्ट मीटिंग अपडेट। तो दोस्तों देख सकते हो राइट, यहाँ पर कोड लिखा है उसका, और साथ में लिखा है आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 18 फरवरी 2021। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें लिखा बहुत, इसमें चार पॉइंट्स किए गए, और चार पॉइंट का मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ वो क्या लिखा हुआ इसमें। दोस्तों इन्होंने लिखा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिस्कस एंड कंसीडर टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ रिटेल लोन, कंपनी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द एवेन्यू लाइक गोल्ड लोन, मोटर व्हीकल लोन, होम अप्लायंसेज लोन एक्सेट्रा। तो ये होम लोन और मोटर व्हीकल लोन और होम अप्लायंसेज लोन में आए, अगर दोस्तों ये हो जाता है तो एक बड़ी खबर ये हो सकती है स्टॉक के लिए। और ये जो स्टार्ट करने की सोचे रिटेल लोन, ये होगा आपका स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2021। जी हाँ दोस्तों, अभी भी 2 महीने हैं, अगर ये चीज़ अप्रूव हो जाती है, ठीक है, अभी कंसिडर की है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो अप्रैल 2021 में अगर ये चीज़ हो जाती है तो डेफिनेटली स्टॉक के प्राइस में आपको डेफिनेटली जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ये रिटेल लोन में आ रही है, राइट। जैसे आपको पता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये भी सिमिलर वही काम करती है जो आपका ये इंडिया इन्फोटेक करती है, तो सेम कैटेगरी की कंपनी है, तो डेफिनेटली रडार में रख सकते हो भाई। दोस्तों डेफिनेटली इंडिया इन्फो शेयर के लिए काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है अगर रिटेल लोन में आ जाती है। दोस्तों अगर हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं जो कंसिडर कर रहे हैं, इनको अपनी इंडिया में ब्रांचेस ओपन करनी है। तो दोस्तों अगर ये कंपनी इंडिया में ब्रांचेस ओपन करती है, देखिए ये एक्सपेंड करना चाहती है, अगर कोई कंपनी एक्सपेंड करती है तो डेफिनेटली उसका प्राइस थोड़े समय के लिए गिरता है। जैसे अभी आपको देखने को मिल रहा है प्रॉफिट होने के बावजूद भी स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है, उसका कारण ये है कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है। तो कंपनी जब एक्सपेंड करती है तो उसके खर्चे बढ़ते हैं, बात को समझो, इसलिए स्टॉक का प्राइस आजकल आपको लोअर सर्किट में दिख रहा है, राइट। तो दूसरा पॉइंट इसका ये था। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये राइट इशू लेके आ सकते हैं 250 करोड़ का, फ्रॉम राइट इशू बॉन्ड से लेके आ सकते हैं, डिवेंचर से लेके आ सकते हैं, और डेट फ्रॉम बैंक से लेके आ सकते हैं, जैसे उन्होंने डिस्कस किया था पहले ही। तो डेफिनेटली अगर ये चीज़ें अप्रूव हो जाती है इंडिया इन्फो शेयर में, तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस आपको 10 रुपये के टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों जो चौथा पॉइंट है आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि ये एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं रिटेल लोन के लिए, राइट। तो डेफिनेटली दोस्तों जो चारों पॉइंट है ये इंडियन इन्फो शेयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है, डेफिनेटली स्टॉक को आपको रडार में रखना चाहिए। आपको मैंने रीजन बता दिया है, अगर ये चारों चीज़ अप्रूव हो जाती है तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस रॉकेट हो सकता है, शायद आपको शायद मौका भी ना मिले स्टॉक को बाय करने का, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, थोड़ा आपको ब्रीफ समझा देता हूँ। पहला पॉइंट ये रिटेल लोन में आ रहे हैं, और दूसरा पॉइंट है दोस्तों ये अपनी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं अक्रॉस इंडिया, और तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है ये 250 करोड़ का फंड रेज करेंगे थ्रू राइट इशू बॉन्ड से, डिवेंचर से, या बैंक के थ्रू। तो डेफिनेटली आप स्टॉक रडार में रख सकते हो। चौथा पॉइंट है इसका कि ये अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे रिटेल लोन के लिए। तो अगर दोस्तों ये चारों अप्रूव हो जाते हैं पॉइंट्स, तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस रॉकेट हो सकता है, और शायद आपको मौका ना मिले ऐसा मल्टीवेकर स्टॉक जो पहले स्टॉक जो बिलो 1 रुपी ट्रेड अभी कर रहा हो, स्टॉक की जो वैल्यू है बिलो, आज जो स्टॉक की वैल्यू है बिलो 50 पैसे है, लेकिन अगर ये सब चीज़ अप्रूव हो जाती है तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस आपको 10 रुपये तक देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली स्टॉक का रडार में रख सकते हो, छोटी सी अमाउंट लगाकर आप स्टॉक में भूल सकते हो। कंपनी इज़ अ प्रॉफिटेबल कंपनी, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और बोल देना चाहता हूँ कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है, और कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा है, और अगर ये सब चीज़ें हो जाती है तो डेफिनेटली भाई इट इज़ गोइंग टू अ मल्टीवेगर स्टॉक जो आपको एटलीस्ट 500% की रिटर्न दिखा के जा सकता है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अपना पूरा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक में कभी भी पूरा कैपिटल नहीं लगाया जाता, छोटा सा अमाउंट लगाकर आप भूल सकते हो, राइट। तो भाई ये था आपका इंडिया इन्फो शेयर के बारे में छोटा सा एक वीडियो अपडेट। ये मेरे हिसाब से ये एक मल्टीवेगर स्टॉक होगा, पैनी स्टॉक बिलो 1 रुपीज। अगर कोई सुझाव है, कुछ कॉमेंट है नीचे बताओ, ठीक है, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। बाकी मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड पीस आउट।